हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या आप भी चाहते हो अपना यूट्यूब चैनल खोलना और उससे लाखों रुपए कमाना? तो आप भी यूट्यूब चैनल खोल सकते हो और उससे लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हो। भाई आपको भागने की भी जरूरत नहीं कि आपको इधर जाना उधर जाना, आपको सिंपली अपने घर में बैठ कर ही काम कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप कुछ काम नहीं करते हो तो यूट्यूब में आप अपना भाग्य अजमा सकते हो, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठ करके काम कर सकते हो और इसमें कोई भी एज का भी नहीं कि आप किस एज के हो। तो YouTube चैनल चालू करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला तो यह है कि आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए कि आप किस टाइप का अपना चैनल खोलना चाहते हो। या तो आप टीचिंग का खोलना चाहते हो या फिर आप ब्यूटी का खोलना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आपके पास क्या कॉन्टेंट है, आप किस तरह से अपना चैनल, किस टॉपिक पे अपना चैनल खोलना चाहते हो, ये बात आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि मुझको इस टॉपिक पर अपना चैनल को खोलना है। ऐसा ना हो कि आपने दो चार वीडियो बनाए और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आप इधर उधर के लोगों के देख रहे हैं और उनको कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता। आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट होना चाहिए, तभी आप अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें हैं कि मैं इस टॉपिक पर अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ, आपको कई सारे टॉपिक मैंने बताए भी हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि आपके पास क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं और आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके यूट्यूब चैनल अपना बना सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज, आपके पास एक एम होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए कि मुझको इस टॉपिक पर अपने वीडियोस बनाने हैं, ठीक है। बाद जो बारी आती है कि अपना हम यूट्यूब चैनल कैसे खोलें, उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक इस तरह से एक स्मार्टफोन जिसका कैमरा अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि भाई आप कैमरे से ही तो वीडियो बनाओगे। तो आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन, और अगर आपके पास एक ट्राइपॉड नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग पर आप कहीं पर भी अपने फोन को सेट करके उसका कैमरा ऑन करके वीडियो बना सकते हो। अब बारी आती है, वीडियो भी बन गया, अब आपको यूट्यूब पर कैसे डालना है। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक जीमेल अकाउंट। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट पहले से भी है तब भी आपको एक नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहिए। यूट्यूब के लिए आपको एक नया ही जीमेल अकाउंट बनाओ तो ज्यादा सही रहता है। तो आपको जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप जीमेल अपना अकाउंट कैसे बनाओ। तो चलिए मैं अब आपको पहले ये बताती हूँ कि आप अपना जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाओगे। फ्रेंड्स, जीमेल अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको अपने फ़ोन पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है जीमेल। जीमेल और ईमेल दोनों एक ही है, तो आपको इस तरह से सर्च करना है। अगर आप जब सर्च करते हो तो आपके पहले से जो अकाउंट होते हैं तो वो भी दिख जाएंगे, लेकिन आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो ऐड अकाउंट में जाएंगे और इस तरह से फिर आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि फॉर माई सेल्फ या फिर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ तो लिख दूंगी, मैं इस पर क्लिक कर दूंगी फॉर माई सेल्फ पे, और यहाँ पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपका सेकंड इस तरह से खुलता है, उस पर लिखा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम पे मैं अपना नाम लिख दूंगी सीमा, और सेकंड में आपको अपना सरनेम लिखना है, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया सीमा, और लास्ट नेम में मैं जाऊँगी यहाँ पर लिख दूंगी जेटली। और उसके बाद ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना नेक्स्ट वाला, तो उस पर क्लिक कर दूंगी जेटली करने के बाद, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यानी कि आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर दूंगी, तो जैसे मैं अगस्त में हुई थी तो अगस्त, और डेट और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, तो यहाँ पर मैं 1977 और उसको करके नेक्स्ट कर दूंगी। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सही से ही अपनी भरनी है, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी अपनी फिल कर दी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तो यहाँ पर मैंने फीमेल करके फिर मैं नेक्स्ट पे कर दूंगी। और यहाँ पर आपसे जो है आपका जो है अब आपको अपना अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए आपको अपना नाम बिल्कुल स्मॉल लेटर से लिखना है और बिल्कुल सही से लिखना है। उसके बाद अगर आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ मैंने सीमा जेटली 72 कर दिया तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगी। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये रेड कलर का होगा, और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा, यानी कि आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भरना है, और इसमें आपको जो है मतलब जो लेटर भी लिखने हैं, साथ में आप कुछ सिंबल भी ले सकते हो जो भी आपको है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे फिर वही पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपने पहले से भरा है उसको, इसलिए आप जो पासवर्ड बनाते हो उसको आप अच्छी से मतलब एक जगह लिख कर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड बना करके भूल जाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिर इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ब्लू कलर से
दिख रहे हैं लिखा है कि यस आई एम, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद बस आपका जीमेल अकाउंट बन करके तैयार हो गया है। बस अब आपको करना क्या है कि आप अपना जो है यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आराम से जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद वापस हम अपने फ़ोन पर आएंगे और देखेंगे कि मैंने जो क्रिएट किया है वो दिख रहा है। तो हाँ, ये देखिए मेरा नया जीमेल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका जीमेल अकाउंट बन करके भी तैयार हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको करना ये है कि आपको वाईटी स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। वाईटी स्टूडियो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से आपको वाईटी स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। और यूट्यूब तो सबके जो है फोन पे रहते ही है। आपको करना क्या है कि आपको यूट्यूब चैनल को अपने जो है इसी जीमेल अकाउंट से, जिस जो आपने नया खोला है ना, इसे आपको यूट्यूब को लॉग इन कर लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि सिंपली अपने वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देना है बस। अब आपको क्या करना है कि आपने यहाँ तो वीडियो डाल दिया, ठीक है, आपने टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ नहीं भी डाला है, आपने टाइटल डाला और आपको नीचे दिखेगा अनलिस्ट का ऑप्शन, आपको अनलिस्ट पे जाना है और आपको अपना वीडियो को अपलोड कर देना है। अब क्या करना है, आपको वाईटी स्टूडियो पे जाना है, क्योंकि अभी काफी काम है, क्योंकि अभी आपने थंबनेल नहीं लगाया है, साथ में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है, साथ में आपने टैग भी नहीं लगाया, तो ये आपको सारी चीजें करनी है वाईटी स्टूडियो पे जाकर के। अब वाईटी स्टूडियो से आप अपने वीडियो को किस तरह से थंबनेल लगाओगे, किस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, किस तरह से टैग वगैरह करोगे, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आज के वीडियो से आपने अपना एक जीमेल अकाउंट बना लिया होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो तो आपको अपना एक जीमेल अकाउंट नया बनाना होगा। मेरे चैनल का नाम है आलोक जेटली और मेरा नाम है सीमा जेटली। तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और आप किस तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।